आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें प्यार, जुनून और कश्मीर की खूबसूरती का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मैं बात कर रहा हूं साजिद अली की डायरेक्टोरियल डेब्यू लैला मजनू की, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी लेकिन 2024 में री रिलीज की गई है जस्ट बिकॉज इस फिल्म की जो फीमेल लीड है तृप्ति दिमरी की पॉपुलैरिटी की वजह से। ये फिल्म हमें प्रेजेंट डे कश्मीर ले जाती है जहां लैला और कैश की कहानी अनफोल्ड होती है। लैला एक फ्री स्पिरिटेड लड़की है जिसको कॉलेज जाने से लेकर अपने सपने जीने तक सब कुछ अपनी मर्जी से करना पसंद है। फिर होती है उसकी मुलाकात कैश से, जो एक रिच बॉय है। कैश, लेकिन दोस्तों उनकी पहली मुलाकात थोड़ी डिफरेंट सी होती है। जब दोनों के फैमिलीज की पुरानी दुश्मनी का किस्सा बीच में आता है तो उनका प्यार एक इंटेंस जुनून में बदल जाता है, विच इज वेरी प्रेडिक्टेबल प्लॉट टू वॉच फॉर 140 मिनट्स। एक्ट्रेस की बात करें तो अविनाश तिवारी ने कैश के रोल में कमाल की एक्टिंग की है। उनका कैरेक्टर एक ऐसे इंसान का सफर दिखाता है जो अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देता है, जस्ट लाइक एन एमलेस टीनएजर। तृप्ति दिमरी ने भी लैला के रोल में अपनी छाप छोड़ दी है। साजिद अली ने इस क्लासिक लव स्टोरी को एक नए अंदाज में पेश किया है जिसमें कश्मीर के बैकड्रॉप का यूज करके एक अलग ही माहौल बनाया गया है। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कश्मीर की खूबसूरती को जिस तरह से कैप्चर किया गया है वो देखने लायक है। और म्यूजिक, वाह भाई वाह। एक टाइम पे सॉन्ग्स आपको कैरेक्टर्स के इमोशंस में ले आते हैं और दूसरे टाइम पे वो उनके इमोशंस ही बन जाते हैं। एंड माय फेवरेट सॉन्ग इज ओ मेरी लैला। लेकिन फिल्म का पहला हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है और कुछ लोग इसके प्रेडिक्टेबल प्लॉट से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखो क्योंकि सेकेंड हाफ एकदम धमाका है। अगर आप प्यार, जुनून और हार्ट ब्रेक का एक इंटेंस एक्सपीरियंस चाहते हैं तो लैला मजनू जरूर देखिए। इस फिल्म ने क्लासिक लव स्टोरी को एक नए अंदाज में पेश किया है जो आपके दिल को छू जाएगी। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।